भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर भारत के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए ईशान किशन और शुभमन गिल एक बार फिर मैदान पर आए। ईशान किशन एक बार फिर निराश किया, वह केवल एक बनाकर LBW हो जाते हैं। उनके बाद शुभमन गिल का साथ देने राहुल त्रिपाठी आए। उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 22 बॉल पर 24 रन बनाकर आउट हुए, तथा सूर्या कुमार यादव ने 24 एवं हार्दिक पांड्या ने 30 रन बनाए और शुभमन गिल के शानदार सेंचुरी जिसमें 126 रनों के बदौलत भारत 4 विकेट खोकर 234 रनों विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम भारत की तरफ से पहला ओवर करने आए हार्दिक पांड्या 1 विकेट लिए, उसके बाद ने दूसरे ओवर में 2 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। न्यूजीलैंड ने पावर प्ले में ही अपने 5 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए। न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक 35 रन की पारी दारुल मिचेल ने खेली, बाकी सभी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे घुटने टेक दिए। न्यूजीलैंड 12.1 ओवर में 10 विकेट खोकर केवल 66 रन बना सके। इस प्रकार भारत ने न्यूजीलैंड को 168 रनों के विशाल अंतर से हराया। भारत और न्यूजीलैंड के